नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीन एक्ट है मध्य प्रदेश में जो MPPSC में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। तो हम बात कर रहे हैं 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो बात करते हैं अध्याय पहला प्रारंभिक। तो इसमें अध्याय आपको बता दें कि इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ठीक है, 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। तो सबसे पहले पहला अध्याय देखते हैं हम लोग। इसमें प्रारंभिक, इसमें बात करते हैं पहली धारा की, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। पहली धारा में क्या क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। याद रखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर से अब 370 और 35 से हटा दिया गया है 2019 में, और 31 अक्टूबर 2019 से अब वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो पूरे भारत में होते हैं। अब कोई भेदभाव नहीं है, विशेष अधिकार छीन लिया गया है जम्मू कश्मीर से, तो अब इसका संपूर्ण भारत में विस्तार होगा। ठीक है, पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य में केवल वहाँ तक लागू होता था जहाँ तक राज्य को इसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की एक या अनुसूची सूची 2-3 में प्रमाणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषय से। तो अब आपको याद रखना है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और जम्मू कश्मीर में भी। यह है प्रारंभ कब हुआ? 28 सितंबर 1993 को प्रवत हुआ। तो याद रखना इसमें क्या रखना है, संक्षिप्त नाम इसका, विस्तार पूरे भारत में, और प्रारंभ कब हुआ? 28 सितंबर 1993। ये डेट याद रखना, कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993। आगे बात करते हैं दूसरी धारा, इसमें परिभाषा है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। अब बात करते हैं दो काम है, सशस्त्र बल में से नौसेना, सेना, वायुसेना अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत संघ का कोई सैन्य सशस्त्र बल शामिल है इसमें। फिर खा है अध्यक्ष से संबंधित, यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। गा में है आयोग से, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अभिप्रेत है। फिर है घा में मानवाधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। डामे हैं, दो डामे, मानवाधिकार न्यायालय से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानवाधिकार न्यायालय अभिप्रेत हैं। इसमें चा में अंतर्राष्ट्रीय संविदा से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट
करे। छ में सदस्य से यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है। जा में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय 1952 का 19 अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है। झा में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संविधान में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग 2006 का 43 आयोग अभिप्रेत है। हुआ में राष्ट्रीय महिला आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। टा में है अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत। ठा में है विहित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत। डा में है लोक सेवक का सही वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 45 धारा 21 में है। डा में है राज्य आयोग से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानवाधिकार आयोग अभिप्रेत है। इस अधिनियम में किसी ऐसे विधि के जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है फिति किसी निर्देश का उस राज्य संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस राज्य में प्रवृत्त किसी स्थानीय विधि के यदि कोई भी फिति निर्देश हो। अब याद रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा पूर्ण रूप से। अब आप लोगों को बता दें परिभाषा, धारा 2 में परिभाषाएँ दी गई हैं। का में सशक्त बल की, खा में याद रखना है अध्यक्ष से संबंधित है, गा आयोग से संबंधित, घा मानवाधिकार आयोग से, डा है मानवाधिकार न्यायालय से संबंधित, चा है अंतर्राष्ट्रीय संविदा से संबंधित, छा है सदस्यों से संबंधित और जा है दो जा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित, छा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित जाति आयोग से और झा झा झंडा टू झा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित और उवा राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित, टा अधिसूचना से संबंधित, ठा विहित से संबंधित और डा लोक सेवा का से संबंधित और डा डा एडा राज्य आयोग से संबंधित। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी अध्याय 2। अध्याय 1 में 2 धाराएं थी, 1 और 2। 1 में दिया गया था क्या संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरे में परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, याद रखना ये सभी। अब धारा अध्याय 2 देखते हैं हम लोग। अध्याय 2 इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है अध्याय 2। धारा 3 बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। धारा 3 के तहत केंद्रीय राज्य सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। याद रखिए धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होगा। सीधा सा आपको याद रखना है आयोग में निम्नलिखित मिलकर बनेगा आयोग। एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रहा हो। याद रखना है यहाँ इस शब्द को याद रखना, मुख्य न्यायाधीश रहा हो। फिर एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। एक अन्य सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति है या रहा हो। दो सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्ति की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो याद रखिए 5 ये सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष, एक ये सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, दो सदस्य मानवाधिकारों से संबंधित विषयों पर ज्ञानी हो। और याद रखना अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, यहाँ रहा है याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना ये चार सदस्य। धारा 12 के खंड का से खंड वहाँ में विनिर्देश कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 9 सदस्य होंगे, जिनमें से 5 स्थायी और 4 ये लोग कौन कौन से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। वह आयोग की किसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कृत्यों और धारा 40 खा के अधीन विनिमय बनाने की शक्ति के सिवाय जो यथा स्थिति आयोग या अध्यक्ष को उसे प्रत्यायोजित करे। तो आपको सीधी सी यहाँ बात रखना है, याद क्या रखना है, धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन होगा, इसमें 9 सदस्य होंगे टोटल। ठीक है, जिनमें से 5 होंगे स्थायी, एक न्याय एक अध्यक्ष होगा इसमें, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहा हो, और एक सदस्य होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति है या रहा हो, 2 सदस्य जो मानवाधिकारों से संबंधित ज्ञाता हो विषयों से, और 4 सदस्य एक लोग रहेंगे अल्पसंख्यक समूह, एसटीएससी और महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, ये भी याद रखना, आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में। फिर धारा 4, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, परंतु इस नियुक्ति में एक ऐसी समिति की सिफारिश जरूरी होगी जिनमें जो मिलकर बनती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है इसमें, राज्यसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो 6 सदस्य रहते हैं, ठीक है, समिति में। तो याद रखना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अधिकार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की और सदस्यों की, लेकिन ये नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करता है जिसमें अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, सदस्य होता है लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्रालय का मंत्री होता है सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता सदस्य और राज्य का उपसभापति इसका सदस्य होता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 5 धारा 5 के बारे में, अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र या और हटाया जाना। धारा 3 में क्या है, मानवाधिकार आयोग का गठन। 4 में क्या है, सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। और 5 में सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर से लिखे सूचना द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस नियमित भेद प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया जाएगा। यथा स्थिति अध्यक्ष ऐसे सदस्यों को किसी आधार पर हटा सकता है। उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यदि यथा स्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य दिवालिया या न्याय निर्णित किया जाता है
या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी साबेतन नियोजन में लगता है। मानसिक या शारीरिक शिथिल के कारण अपने पद पर बने रहने की आयु को विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादेश किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है। सीधी सी बात आपको याद रखना है। धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना है, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक, सीधी सी बात आपको याद रखना है। फिर है अध्यक्ष। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कार्यकाल, धारा 6 में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्त का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर ना रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। सीधी सी बात आपको याद रखना है। धारा 6 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि होती है 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। याद रखना, सदस्य पुनः नियुक्त हो सकते हैं अगर उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है। ठीक, 5 वर्ष 70 साल याद रखना। फिर है हमारा धारा 7, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना। किसी ऐसी परिस्थिति में किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना और उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है, जैसे अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती, कि नियुक्ति नहीं हो जाती। याद रखना, जब अध्यक्ष पद खाली पड़ा हो तो राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए नामित कर सकता है जब तक वो नियुक्ति पूरी नहीं हो जाती। जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब सदस्य में से एक सदस्य जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निर्मित प्राधिकरण करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालेगा वह हट जाएगा। ठीक है, बात करते हैं धारा 8 की। तो अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाएं, परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में, सेवा के अन्य निबंधनों में और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के वेतन जो होते हैं, वेतन भत्ते, वो निर्धारित किए गए 8 के तहत। धारा 9 में रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अभी आविधिमान ना होगा। अगर कोई पद रिक्त है, आयोग की कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर फिसनगत नहीं की जाएगी या अभिधिमान नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। ठीक है, फिर है धारा 10। धारा 10, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। अध्यक्ष डिसाइड करेगा
कि कहाँ अयोध्या का कि अधिवेशन होना है। इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा हैं या इस नियमित अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। तो याद रखिए, प्रक्रिया आयोग की प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाएगा। अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि कहाँ अधिवेशन इसका कहाँ होना है, क्या होता है। फिर है क्या है, फिर धारा 11 आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में। भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा। खा में ऐसे अधिकारियों के अधीन जो पुलिस महानिदेशक स्तर से नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस नियमित बनाए जाए, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जो विहित हो। फिर है अध्याय 3, ठीक है, आयोग के कृत्य और शक्तियाँ, आयोग के कार्य और शक्तियाँ, ठीक है। तो बात करते हैं धारा 12 के बारे में, आयोग के कृत्य। आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात स्वप्रेरण से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसके प्रस्तुत की गई अर्जी पर। मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की, ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। खा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुवेदन से मध्यक्षेप करना। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार सुधार संरक्षण के लिए रखे जाते हैं, इन व्यक्तियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना, उन पर सरकार को सिफारिश करना। घा में संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय विविध किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपाय का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। डाम है ऐसी बातों का जिसमें के अंतर्गत आतंकवाद के कार्य है और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती है, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। छा में मानव अधिकारों से संबंधित संधियों अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। छा में है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना। जा में है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और विकासनों संचार विचार माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। जहाँ में है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। वहाँ में है ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाए। फिर हमारी धारा 13 जांच से संबंधित शक्तियाँ। आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं।
साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। खा में किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। गा में शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। घा में किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। डा में साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। चा में कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। दो, आयोग की किसी व्यक्ति से ऐसी किसी विशेष अधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी वार्ता या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या उसकी सुसंगत हो। जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 धारा 177 के अर्थ में ऐसी जानकारी देने के वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। तीन है, धारा आयोग या आयोग द्वारा इस नियमित विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के उपबंधों के जहां तक वे लागू हो अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जाँच के विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा, किसी ऐसे दस्तावेज की वो अभिग्रहित कर सकेगा तथा उसके उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175 धारा 178 179 धारा 180 धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टि गोचरता में या उपस्थित में किया जाता है, तब आयोग अपराध घटित करने वाले तथ्यों या अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंधित है उस मामले में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिससे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरोध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो। पांच में, आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 प्रायोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रायोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। छः में, जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है वहां वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइनल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है अंतरिम कर सकेगा, परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी ना हो जिसके संबंध में राज्य आयोग उसे ग्रहण करने की अधिकारिता ना हो। धारा 7 उपधारा 7 उपधारा 6 के अधीन अंतरिम की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसी कार्यवाही की जाएगी उसका निपटारा किया जाना मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई हो। अब यह धारा 14 आपको बता दें हम लोग एक लास्ट में लेक्चर के अंत में एक सार देख लेंगे इसका पूरा 1993 के मानवाधिकार अधिनियम का, ठीक है, मेन मेन पॉइंट देख लेंगे। अन्वेषण, आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रायोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या उस राज्य की राज्य सरकार किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। जांच से दो में, जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रायोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है
आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हैं। काम है किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। खा में किसी दस्तावेज को पिकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। गा में किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा। तीन में धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू हो गए जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं। चार में जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा। उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निर्मित निर्दिष्ट की जाएगी रिपोर्ट देगा। पांच में आयोग उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों की यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उस व्यक्तियों की परीक्षा है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो उसमें सहायता की हो कर सकेगा जो वह ठीक समझे। धारा 15 में आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा, उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि ऐसा कथन ऐसे प्रश्न उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा उपेक्षा की जाए जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है। अब बात करते हैं धारा 16 के बारे में, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। यह जांच की किसी अनुक्रम में खा में आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है। खा में आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा, परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है। अगला हमारा 14 अध्याय 4 नंबर का, इसमें 17वीं धारा है, 17वीं शिकायतों की जांच। आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा इसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दिया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। परंतु यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा। यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा प्रारंभित कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा। खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात का पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। 18वीं धारा है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण या मानवाधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानवाधिकारों के अतिक्रमण का उत्पीड़न विकट होता है तो वहां वह संबंधित राज्य या प्राधिकरण को
शिकायत या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकार या नुकसान का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो आवश्यक समझे। संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियाँ आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। जांच के किसी विक्रम पर संबंध सरकार या प्राधिकारी की पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग आवश्यक समझे सिफारिश करना। खंड डा कि उपखंडों के अधीन रहते हुए जांच रिपोर्ट के प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना। आयोग अपनी रिपोर्ट एक प्रति अपनी सिफारिश से संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञान करे रिपोर्ट पर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। अच्छा, आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट या आयोग की सिफारिश पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही को प्रकाशित करेगा। 19 धारा 19 सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुए भी आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाएगा। आयोग स्वपीड़ा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार या रिपोर्ट मांग सकेगा। रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस समय की अपनी सिफारिश कर सकेगा। केंद्रीय सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे सूचित करेगी। आयोग केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। आयोग उपधारा 3 के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा। 20 धारा 20 आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। आयोग केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण सहित यदि कोई हो यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। फिर अपना अध्याय पाँच में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को विदत्त शक्तियों का प्रयोग करके करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम राज्य का नाम मानवाधिकार आयोग होगा। राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी निम्नलिखित में से बनकर बनेगा। 1 अध्यक्ष होगा इसमें राज्य
आयोग में जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है शब्द याद रखिए। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिसे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में विघटित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा, परंतु ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से संगठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य सरकार उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा, परंतु यह और है कि जम्मू कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में उपधारा ऐसी प्रभावी मानो केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में प्रकृत प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत शब्द और अंकों के स्थान पर। याद रखिए, अब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 2019 में आपको जैसा कि पता है कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया है, तो विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है जम्मू कश्मीर से, तो अब वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे जो अन्य भारत में होते हैं। आगे बात करते हैं, दो या दो से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष सदस्यों को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी। यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है, परंतु उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्यों या दोनों नियुक्त किए जाने हैं, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त करने के पश्चात की जाएंगी। फिर है 22 धारा हमारी, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। मुख्यमंत्री होगा अध्यक्ष, इसमें विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, उस राज्य के गृह विभाग का मंत्री सदस्य होगा, और विधानसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होगा। परंतु यह और है कि जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे, परंतु यह और भी है कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कोई नियुक्ति केवल इस कारण अभिधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति में कोई व्यक्ति है। धारा 23 है फिर, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र या हटाया जाना। राज्य आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है
कि यथास्थिति अध्यक्ष ऐसे सदस्यों को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। उपधारा एक का किसी बात के होते हुए यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य दिवालिया न्याय निर्दिष्ट किया जाता है, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन संवेतन नियोजन में लगता है, मानसिक या शारीरिक शिथिल के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्गत है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है। फिर है 24 धारा, तो याद रखिए यहाँ गलत छपा हुआ है, 24 है, एक नहीं है यहाँ, ठीक है, दो हो, तो अगली है 24 धारा। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 24 धारा में है। 24 धारा में क्या है? राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की अवधि आयु कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण कर सकेगा तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्त का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर ना रह जाने पर किसी राज्य सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। फिर है 25 धारा। 25 धारा 25 में कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद पर हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकरण करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा। जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालेगा उस दिन से वो सदस्य रह जाएगा। आगे बात करते हैं धारा 26। धारा 26 में राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन और भत्ते, उनकी सेवा के अन्य बंधन और शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएंगी, परंतु अध्यक्ष किसी सदस्य के वेतन भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए आलाभकारी नहीं किया जाएगा। फिर है 27 धारा। राज्य आयोग के अधिकारियों और उन अन्य कर्मचारियों, राज्य सरकार आयोग को राज्य सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी जो राज्य आयोग का सचिव होगा, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर का हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो उपलब्ध कराएगी। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए, राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक तकनीकी और वैज्ञानिक नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित हो की जाए। फिर 28 धारा। धारा 28 इसमें राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है
कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट में प्रस्तुत कर सकेगा। राज्य सरकार राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण सहित यदि कोई हो जहां राज्य विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बनता है, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। फिर है धारा 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग को लागू होगा। धारा 19, धारा 20, धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, 15, 16, 17, 18 के उपबंध राज्य के आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरण तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं। धारा 10 की उपधारा 3 में महासचिव शब्द के स्थान पर सचिव शब्द रखा जाएगा। धारा 12 के खंड 4 का लोप किया जाएगा। धारा 17 के खंड 1 में से केंद्रीय सरकार या किसी शब्दों का लोप किया जाएगा। फिर है अध्याय 6, इसमें धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकेगी। परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तक समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है, कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। फिर है धारा 31, विशेष लोक अभियोजक, राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसमें कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त करेगी। अगला अध्याय 7, वित्त लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है। तो धारा 32 में क्या है, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो यह ठीक समझे और ऐसी राशियाँ उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व्यय मानी जाएंगी। धारा 33, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। राज्य आयोग अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियाँ खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे। ऐसी राशियाँ उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों से संदेह व्यय मानी जाएंगी। 34, धारा 34, लेखा और संपरीक्षा, आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करता है जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा से परामर्श करके विहित करे। आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा भी निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संदेह हो
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की सम परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साधारणतः सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टता उसे बाह्य लिखे संबंधी वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस नियमित उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केंद्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएगी। धारा 35 है। धारा 35 राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा। राज्य आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा। लेखाओं को का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके भेद करे। राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखा की संपरीक्षा संबंध में उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के रूप उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार होंगे विशेष अधिकार प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साधारणता सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं। विशेषता उसे बाह्य लिखे संबंधी वाउचर अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने को मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस नियमित उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार ऐसे संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। अब बात करते हैं अध्याय 8 के बारे में। अध्याय 8 में है फिकीर्ण तो 36 धारा है। धारा 36 आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाला विषय। आयोग किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के संबंध समक्ष लंबित है। आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों या अतिक्रमण संबंध गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभी कथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी विषय की जांच नहीं करेगा। 37 धारा अगली धारा है 37 विशेष अन्वेषण दलों का गठन। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है। फिर बात करते हैं हम लोग धारा 38 के बारे में। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट कागज पत्र या कार्रवाई के केंद्रीय सरकार राज्य सरकार आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी विवाद
या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा किसी सरकार, राज्य सरकार आयोग या राज्य आयोग के निर्देशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। फिर धारा 39, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। फिर है धारा 40, नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। धारा 8 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंध और शर्तें होंगी। 20 शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते, सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति जो धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन भेद की जानी अपेक्षित है। वह प्रारूप जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा 1 के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों की ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए तो वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम को ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं धारा 40 का के बारे में, भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति। धारा 40 की उपधारा 2 के खंड खा के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी जो उस तारीख से पूर्वतर ना हो जिसको इस अधिनियम को पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किंतु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता है हितों का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आयोग की विनियमय बनाने की शक्ति 40 खाके इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमान से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम विनियम बना सकेगी। विशिष्टता और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े, कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए। इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियमय बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो जा सकेगी।
यदि उस सत्य के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्यों के ठीक बाद के सत्य के अवसान के बाद के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह इससे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियमन नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु विनिमय के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले ही की गई किसी बात की विधिमानता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग 41 धारा। धारा 41 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार की इस अधिनियम के बंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। विशिष्टता पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। धारा 26 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निर्बंध और शर्तें, वे शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारी राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे, तथा धारा 27 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते होंगे। वह प्रारूप जिसमें धारा 35 की उपधारा 1 के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाने जाने के पश्चात यथाशीघ्र यहाँ राज्य विधानमंडल के दो सदन, वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष या ऐसे विधानमंडल का एक सदन हो वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। फिर 42 धारा 42 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समचीन प्रतीत हो। परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। फिर धारा 43 निरसन और व्यावृत्ति। मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 के इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के जो अधिनियम है उसके मेन तथ्यों के बारे में, जो मेन है उन्हीं को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बता दें, कुछ जानकारी देते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में तो आपको बता दें, ब्रिटेन का प्रकाशित महान घोषणा पत्र 1215 में आया। इसे मानवाधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। किसे? ब्रिटेन का प्रकाशित महान घोषणा पत्र, ये 1215 में आया था, इसे मानवाधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। द 12th आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट 1925 में आया, यूरोपीय मानवाधिकारों का जन्मदाता कहते हैं इसे। प्रथम वैश्विक दासता के विरुद्ध वैश्विक सम्मेलन, ये हुआ था 25 सितंबर 1926 को। आपको बता दें 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र बना और 10 दिसंबर 1950 को मानवाधिकार दिवस पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग फरवरी 1946 में बना, ठीक है याद रखना, और ह्यूमन राइट्स वॉच 1978 में न्यूयॉर्क में। अब बता देते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में कुछ मैं तत्व।
आपको बता दें इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं, 43, ठीक है। और आपको बता दें प्रथम अध्याय में की बात करें तो पहली धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। तो इसका संक्षिप्त नाम जैसा कि आपको पता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, और विस्तार इसका संपूर्ण भारत में। प्रारंभ हुआ है 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 को, याद रखना, अध्यादेश के से आया था ये पहले। वैसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली 8 जनवरी 1994 में, ठीक है। तो ये अध्यादेश के द्वारा आ गया था 28 सितंबर 1993 में, और इसे स्वीकृति मिली राष्ट्रपति की 8 जनवरी 1994 में, ठीक है। ये 1994 की अधिनियम संख्या 10 है। फिर आपको बता दें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया 2006 में, 2006 में। और इसमें क्या होगा कि 23 नवंबर 2006 से ये लागू हुआ संशोधन। अब बात करते हैं दूसरी धारा दो में। धारा दो की बात करें तो परिभाषाएं दी गई हैं। कहा में दिया गया है सशक्त बल, खाद में दिया गया अध्यक्ष। सशक्त बलों में शामिल है नौसेना अध्यक्ष, नौसेना, थल सेना, वायुसेना और संघ सरकार से संबंधित अन्य सशक्त बल। गाद में दिया गया आयोग, घा में दिया गया मानवाधिकार, ऋढ़ा में दिया गया मानवाधिकार न्यायालय, और चा में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिसंहिता, और छा में दिया गया सदस्य, जा में दिया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से। फिर झाझंडा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित। फिर है झाका, झाका में दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित 338 का। फिर हुआ, हुआ में दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग, टा में दिया गया है अधिसूचना, ठा में दिया गया भेद, डा में दिया गया लोक सेवक, और डा में दिया गया राज्य आयोग, ठीक है। फिर आता है अध्याय दो। अध्याय दो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें धारा तीन। सबसे पहले आपको बता दें स्वतंत्रता महिला तथा पुरुषों के हृदय में वास करती है, ये वाक्य दिया था पालकी वाला ने। धारा तीन की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की बात कही गई। तो याद रखना इसका मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। इसमें 9 सदस्य होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष से और 4 पदें हैं। पूर्णकालीन सदस्य में होते हैं अध्यक्ष, एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, 2 सदस्य जो मानवाधिकारों के से संबंधित विषय का ज्ञान होने, और जो 4 अन्य सदस्य होते हैं पदेन। ये 2006 की द्वारा जो धारा तीन में संशोधन किया गया था इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। एक महासचिव होगा इसमें, आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO। अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियां कर्तव्य का निर्वहन करेगा ये। फिर यह धारा है चार। धारा चार में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, तो नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर, इसमें अध्यक्ष PM होता है समिति का, और सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में उपसभापति, ठीक। फिर बात करते हैं धारा पांच। धारा पांच है
अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना, तो आपको बता दें राष्ट्रपति हटाता है ना, सीधी बात। धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना तो राष्ट्रपति हटाता है। फिर है धारा 6, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, तो अध्यक्ष पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब अध्यक्ष पुनः नहीं चुना जा सकता, सदस्य पुनः सदस्य बन सकते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो। फिर है धारा 7, धारा 7 क्या है? कुछ परिस्थितियों में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का पद का निर्वहन करना, जब अध्यक्ष उपस्थित ना हो तब किसी सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर धारा 8 है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें। फिर धारा 9 है, रिक्तियों के बावजूद भी भारत आयोग की निर्धारित कार्यवाही विधिमान्य होगी। रिक्तियों के बावजूद भी आयोग की निर्धारित कार्यवाही विधिमान होगी। फिर 10 है धारा, क्रिया का स्थल एवं कार्यक्रम अध्यक्ष निर्धारित करेगा। फिर है धारा 11, आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी अन्य कर्मचारी से संबंधित है। धारा 12, अध्याय 3 आ गया, तो धारा 12 है जो आयोग की कित आर्यों के आयोग के लिखित कार्यों से संबंधित है। धारा 13, जांच से संबंधित शक्तियां हैं 13 में। 14 की बात करें, चौदह में अन्वेषण या जांच से संबंधित है। 15, धारा 15, आयोग के समक्ष व्यक्तियों के द्वारा किए गए कथन, आयोग के समक्ष व्यक्ति द्वारा दी गई गवाही से संबंधित। और 16 धारा है, ये प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई से संबंधित है। फिर है अध्याय 4, इसमें धारा 17 है जो शिकायतों की जांच से संबंधित है। धारा 18 है जो जांच के दौरान और उसके पश्चात के कदमों से संबंधित है। धारा 19, सशक्त बलों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है धारा 19। धारा 20, आयोग का वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन से संबंधित है। धारा 21, अध्याय 5, धारा 21, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। आपको यह बता दें मध्य प्रदेश का भोपाल में है इसका मुख्यालय, और 1 सितंबर 1995 में मध्य प्रदेश ने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसके सदस्यों की बात करें तो 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य, 2 सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, और सदस्य होता है जो न्यायाधीश रहा हो अथवा जिला न्यायाधीश रहा हो या हो, जिसे न्यूनतम 7 वर्षों का अनुभव हो। और एक तीसरा सदस्य होगा जो दूसरा मानवाधिकारों का ज्ञानी होगा। एक सचिव मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होगा इसमें। आपको बता दें 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची 2 और 3 के संबंध में ये जांच करेगा, संबंधित है। फिर बात करते हैं हम लोग धारा 22, धारा 22, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो ये राज्यपाल करता है, समिति होती है उसकी सिफारिश पर करता है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है समिति में, विधानसभा का अध्यक्ष होता है सदस्य, राज्य का गृह मंत्री होता है सदस्य, और विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। विधान परिषद जहाँ जिस राज्य में है वहाँ का सभापति और विपक्ष का नेता शामिल होता है। फिर कहते हैं 23, धारा 23,
धारा 23, अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र या हटाया जाना, तो त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं और हटाया जा सकता है ना राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिए। त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं लेकिन हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। फिर 24, धारा 24, राज्य आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, तो ये वही है 5 वर्ष 70 साल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की है, उसी वही है बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। फिर 25, धारा 25, तो कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। फिर 26, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय की जाएंगी। 27, धारा 27, अन्य अधिकार राज्य के राज्य आयोग के अन्य अधिकारियों से संबंधित और कर्मचारियों से संबंधित है। फिर 28, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित है। 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ उपबंधों का राज्य आयोग पर लागू होना, जैसे धाराएं 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के उपबंध। फिर हमारा अध्याय 6, मानवाधिकार न्यायालय, तो 30 है जो धारा मानवाधिकार न्यायालय से संबंधित है। फिर 31 है जो ये विशिष्ट लोक अभियोजक से संबंधित है राज्य सरकार में। फिर अध्याय 7, वित्त लेखा परीक्षा संपरीक्षा से संबंधित है। 32 धारा में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, 33 धारा में राज्य सरकार द्वारा अनुदान से संबंधित। फिर 34, लेखा एवं लेखा परीक्षक से संबंधित है। धारा 35, राज्य आयोग का लेखा, राज्य आयोग का लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है, परीक्षण से संबंधित। फिर 35 धारा हो गई। फिर अध्याय 8, ये विविध से संबंधित या पिकीण, तो 36 धारा है जो वे मामले जो राज्य की अधिकारिता में नहीं आते हैं उनसे संबंधित है। राज्य आयोग तथा अन्य आयोगों में लंबित पड़े मामले भी नहीं आते हैं, और ऐसा मामला जिसके उल्लंघन में 1 वर्ष बीत चुका है वो भी नहीं आते हैं। फिर 37 धारा, विशेष अन्वेषण दलों का गठन से संबंधित है। 38 है, सद्भावना में की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। 39 है, सदस्य एवं अधिकारियों का लोक सेवक होना। 40, भारत सरकार के नियम बनाने की शक्ति। फिर 40 का क्या है, 40 का में दिया गया भूत लक्षी नियम बनाने की शक्ति। 40 खा, आयोग नियम बनाने की शक्ति आयोग की। फिर 41, ये राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है इसमें। 42, कठिनाइयों को समाप्त करने की शक्ति है। और 43, निरसन और व्यावृत्ति, निरसन पूर्ववर्ती कार्यवाही अवैध है नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा मानवाधिकार अधिनियम 1993, ठीक है।